तो आइए आज कोल्ड वॉर डिस्कस करते हैं। जब मैं कोल्ड वॉर की बात कर रहा हूं तो जो हमारी कन्वेंशनल वॉर्स हुआ करती थी, जो पहले जमाने की वॉर्स हुआ करती थी, जो ट्रेडिशनल वॉर्स हुआ करती थी, या फिर जो सच में वॉर्स होती हैं, उससे कोल्ड वॉर का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। जब मैं आपको वॉर की आपसे पूछूं कि वॉर क्या होती है, तो आप कहोगे कि दो देश या दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं डायरेक्टली किसी एक बैटल फील्ड में, और कई सारे वेपन्स का या आर्मी का मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद वॉर हो रही है। लेकिन कोल्ड वॉर काफी अलग थी इस फिनोमिना से, ट्रेडिशनल वॉर से कोल्ड वॉर काफी अलग थी। यहां पे डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली एक बैटल फील्ड के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी गई, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन के थ्रू या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू जो है इस वॉर को लड़ा गया। तो जब मैं कोल्ड वॉर की बात करता हूं, ये काफी अलग है, इसलिए इस टॉपिक के अंदर हम कोल्ड वॉर की बात करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, उसी के साथ साथ हम इसके कॉजेज देखेंगे कि कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या है, होती क्या है कोल्ड वॉर, और इसके कॉजेज क्या है, क्योंकि कोल्ड वॉर हुई क्यों हमारे पूरी दुनिया के अंदर। जब मैं कोल्ड वॉर की बात करता हूं, देखो कोल्ड वॉर जो है वो हमारे पूरी दुनिया के अंदर 1945 से स्टार्ट हो गई, जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म सेकंड खत्म हुई, और उसके बाद 1991 तक चली, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया। मीनिंग की जब मैं बात करता हूं, तो इट्स बेसिकली आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, एक आइडियोलॉजीज का कन्फ्लिक्ट था दो पावर ब्लॉक्स के बीच में। आइडियोलॉजीज का कन्फ्लिक्ट होने का मतलब ये है कि एक तरफ थी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, एक तरफ थी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, और दोनों आइडियोलॉजीज के बीच जो है वो कन्फ्रंटेशन चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अमेरिका का जो ब्लॉक था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म को कौन सपोर्ट कर रहा था, रशिया, सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। तो आपने देखा होगा ना, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट अपने आसपास के जितने भी मैग्नेट्स होते हैं या फिर जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली चीजें होती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है। यही हो रहा था कि दुनिया के अंदर दो मैग्नेट्स थे, और उन वो दो मैग्नेट्स क्या थे, एक रशिया आ गया और एक अमेरिका आ गया। अब रशिया की तरफ कुछ देश जा रहे थे और कुछ देश जा रहे थे अमेरिका की तरफ, तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, कोई रशिया सोवियत यूनियन की तरफ जा रहा था, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा था। और इसीलिए जो रशिया की आइडियोलॉजी थी, जो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी, वो थी कम्युनिज्म, और वहीं दूसरी ओर जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी वो थी अमेरिका की। कैपिटलिज्म के अंदर होता क्या है, तो कैपिटलिज्म के अंदर देश डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, जो जितनी भी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसको जो है वो इंडिविजुअल कंट्रोल करेंगे। कहने का मतलब यही हुआ कि एक देश में क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सरकार डिसीजन नहीं लेगी, ये खुद इंसान डिसीजन लेंगे। अगर एक इंडिविजुअल मेहनत करके जितना पैसा कमाना चाहे वो कमा सकता है, जितनी भी वेल्थ को वो अक्यूमुलेट करना चाहे वो कर सकता है, सरकार का उसके ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्रक्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका मतलब यही हुआ कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आपके देश की, उसके ऊपर सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, या फिर मिनिमल इंटरफेरेंस होगा, बहुत कम इंटरफेरेंस होगा, और सारा का सारा जो है वो इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो है वो डिसाइड करेंगे, राइट। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होंगी आपके देश में, और सरकार कम इंटरफेयर करेगी या नहीं इंटरफेयर करेगी आपकी इकॉनमी के अंदर। वहीं दूसरी ओर जब मैं कम्युनिज्म की बात करता हूं, तो कम्युनिज्म में बेसिकली ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। कम्युनिज्म में यह कहा जाता है कि सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सरकार कंट्रोल करेगी, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस दाम पे बेचना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सरकार डिसाइड करेगी। ये सरकार डिसाइड करेगी कि किसको कितना मिलेगा। तो बेसिकली वहां पे इक्वालिटी की बात की जाती है, वहां पे इस चीज की बात की जाती है कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनको सारा का सारा कौन, स्टेट कंट्रोल करेगी, सरकार कंट्रोल करेगी, और सरकार अपने हिसाब से लोगों को देगी। तो वहां पे बेसिकली सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाती है। जो सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म का बेसिक कंसर्न होता है वो यही होता है कि वहां पे लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, जिसमें दम है अमीर बन जाए, जिसमें दम है फैक्ट्रीज बना दे, जिसमें दम है इंडस्ट्रीज बना दे, जिसमें दम है जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर ले। मगर कम्युनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म के अंदर यह कहा जाता है कि जो वेल्थ का एक्यूमुलेशन है वो कुछ लोगों के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कैपिटलिज्म की तरह इलॉन मस्क के पास ही इतने ज्यादा पैसे हों और कुछ लोग बड़े गरीब हों। कम्युनिज्म के अंदर कहा जाता है कि पूरे के पूरे समाज के अंदर आर्थिक इक्वालिटी आनी चाहिए, इकोनॉमिक लिहाज से सारे बराबर होने चाहिए, पैसे के हिसाब से सारे बराबर होने चाहिए, सारों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से सोशल इक्वालिटी वहां पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बड़ी पोजीशंस होल्ड करते हो समाज के अंदर, कुछ लोग उनका स्टेटस हायर हो समाज के अंदर। तो कम्युनिज्म मैं इस हाथ से कम्युनिज्म को जो है वो क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैपिटलिज्म को मैं इस हाथ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कम्युनिज्म के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी लानी है समाज के अंदर, समाज के अंदर लोगों को बराबर करना है, समाज के अंदर लोगों का
सोशल स्टेटस बराबर करना है। समाज के अंदर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज को सरकार कंट्रोल करेगी। समाज के अंदर जो है वो लोगों के पास इतने ज्यादा अधिकार तो नहीं होंगे, बल्कि ड्यूटीज के ऊपर समाज लोग फोकस करेंगे और जो पूरा का पूरा सोसाइटी होगा वो सरकार के हिसाब से चलेगा या स्टेट के हिसाब से चलेगा। वहीं दूसरी ओर कैपिटलिज्म के अंदर ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी होगी, हर किसी के पास इंडिविजुअल लिबर्टी है, हर किसी के पास वेल्थ का अधिकार है, हर किसी के पास प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने का अधिकार है और सारा का सारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा, जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट इंटरप्राइजेस कंट्रोल करेंगी, सरकार का इतना इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहां पे जो है जिसमें दम है वो पैसे इकट्ठे कर सकता है, यहां पे कोई बहुत ज्यादा अमीर होगा, कोई बहुत गरीब होगा, यहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होंगी, यहां पे ज्यादा इक्वलिटी नहीं होगी क्योंकि कुछ लोग काफी अमीर होंगे, कुछ लोग काफी गरीब होंगे। तो ये जो दो आइडियोलॉजीज हैं इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को सोवियत यूनियन फॉलो कर रहा है, इस आइडियोलॉजी को कैपिटलिज्म को, डेमोक्रेसी को यूएसए फॉलो कर रहा है। ये दो आइडियोलॉजीज का कन्फ्रंटेशन है। इसलिए पंडित नेहरू ने कहा कि ये वॉर जो है डायरेक्टली बैटलफील्ड में नहीं लड़ी गई थी, बल्कि ये वॉर जो थी वो एक ब्रेन वॉर थी, एक नर्व वॉर थी, एक प्रोपेगेंडा की वॉर थी। ये वॉर जो थी लोगों के दिमागों के बीच लड़ी जा रही थी, ब्रेन्स के बीच लड़ी जा रही थी। ये वॉर जो थी वो प्रोपेगेंडा के थ्रू लड़ी जा रही थी, ये प्रोपेगेंडा वॉर थी और साथ ही साथ ये नर्व वॉर थी। तो इसलिए पंडित नेहरू ने कहा दिस वॉज नॉट द कन्वेंशनल टाइप ऑफ वॉर, दिस वॉज नॉट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ war, this was the war which was प्रोपोगेंडा वॉर, नर्व वॉर एंड ब्रेन वॉर। इसलिए हम कोल्ड वॉर को अलग मानते हैं, हम कोल्ड वॉर को वॉर से अलग मानते हैं क्योंकि कोल्ड वॉर अलग तरह की वॉर थी। कोल्ड वॉर के अंदर इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, प्रॉक्सी वॉर्स को लड़ा जा रहा था, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन था, तो कई सारे मेथड्स यहां पर यूज किए जा रहे थे। यहां पे दो ब्लॉक्स उभर करके आते हैं, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। तो बेसिकली होता क्या है, देखो दो ब्लॉक्स उभर करके आते हैं, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में कैसे बटती है तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो अमेरिका वाला ब्लॉक था इसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, और जो सोवियत यूनियन का ब्लॉक था इसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। मैं आपको यहां पे एग्जांपल देके या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना चाहता हूं कि दो पूरी दुनिया दो हिस्सों में कैसे बटी थी। तो यहां पे आप देखोगे जब मैं इस कोल्ड वॉर की बात करता हूं, मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू समझाता हूं। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास है साउथ अमेरिका, ये हमारे पास है इक्वेटर, राइट, ये हमारे पास आ गया अफ्रीका, ये हमारे पास आ गया अरेबियन पेनिनसुला, ये हमारे पास आ गया इंडिया, ये हमारे पास आ गया म्यांमार, उसके बाद इंडोनेशियन आइलैंड्स आ गए, राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा आ गया ऊपर वाला रशिया, राइट, यहाँ पे हमारे पास जापानीज आइलैंड्स आ गए, उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास यूरोप आ गया, ये फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ गई, राइट, ये हमारा यूरोप आ गया, ये हमारा रशिया आ गया जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं, ये हमारा यूएसए आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो भाग है दुनिया का ये है वेस्टर्न भाग, ये जो है ईस्टर्न भाग है। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में कैसे बटी, तो ये यूरोप के जो देश थे ना, ये जो वेस्ट वाले देश थे यूरोप के, ये अमेरिका के साथ चले गए, और जो ईस्ट वाले देश थे ये किसके साथ चले गए, सोवियत यूनियन के साथ चले गए। तो रशिया के साथ ये जो वेस्ट वाले देश थे, यूरोप के इस साइड वाले देश जो वेस्ट के देश थे, वो रशिया के साथ चले गए, सोवियत यूनियन के साथ चले गए, और ये वाले देश जो थे वो अमेरिका के साथ चले गए, मतलब यूएसए के साथ चले गए। तो इस तरीके से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। अब हम देखते हैं कि कॉजेज क्या थे इस वॉर के, क्यों हुई कोल्ड वॉर, व्हाट वाज द रीजंस ऑफ कोल्ड वॉर। पहला कॉज मैंने आपको बताया है और डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि यहां पे एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजीज के बीच कन्फ्रंटेशन था। क्यों था, क्योंकि यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा था, इसको प्रमोट कर रहा था, फ्री मार्केट इकोनॉमीज को प्रमोट कर रहा था। फ्री मार्केट इकोनॉमीज का मतलब होता है नो इंटरफेरेंस, जहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है सरकार की। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा यूएसएसआर वाला ब्लॉक था, जो रशिया वाला ब्लॉक था, सोवियत यूनियन का ब्लॉक था, ये कम्युनिज्म को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे थे, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, और यहां पे स्टेट कंट्रोल इकोनॉमीज होती है, मतलब सरकार ही इकोनॉमीज को कंट्रोल करती है, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको सरकार कंट्रोल करती है। तो ये एक कारण था जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद सेकंड कारण क्या था इसके अंदर, सेकंड कॉज क्या था, पावर वैक्यूम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होती है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड का खात्मा होता है, एंड होता है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर क्या होता है, रशिया और यूएसए इकट्ठा मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, नाजीज के खिलाफ लड़ रहे थे और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर रशिया,
अमेरिका मिलकर नाजीज के खिलाफ लड़ रहे थे, हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर क्या होता है, रशिया अमेरिका ये सारे के सारे देश जो एलाइज थे, इन्होंने मिलकर जो है वो जर्मनी या जापान के जो नाजी आर्मी थी या नाजीस्ट जो थे उनको हरा दिया। उसके बाद क्या होता है, देखो डिफीट ऑफ नाजी जर्मनी एंड जापान। जो नाजी जर्मनी थी, जर्मनी कहां पे आती है, यहां पे आती है नाजी जर्मनी, और जो जापान था ठीक है यहां पे क्या कर लिया, इनको हरा दिया गया। और उसके बाद क्या होता है, एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जैसे ही देखो नाजी जर्मनी कर क्या रही थी, हिटलर कर क्या रहा था, पूरी दुनिया के ऊपर और खास करके यूरोप के ऊपर रूल कर रहा था, डोमिनेंस था उसका, जापान का और जर्मनी का डोमिनेंस था पूरे यूरोप के अंदर। लेकिन जब तुमने उस डोमिनेंस को खत्म कर दिया है, जब हिटलर पूरे के पूरे जर्मनी को या फिर यूरोप को जो है वो कंट्रोल कर रहा था, उसको डोमिनेट कर रहा था, जब तुमने उसको हरा दिया है तो अब पावर वैक्यूम क्रिएट होगा ना पूरी दुनिया के अंदर। अब पावर का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, अब जो सुपर पावर थी वो खत्म हो गई है, सुपर पावर को हरा दिया गया है। तो अब दोनों जो यूएसए और ये जो रशिया थे, ये दोनों चाहते थे कि हम सुपर पावर्स बन जाए। रशिया चाहता था कि मैं सुपर पावर बनूं, यूएसए चाहता था कि मैं सुपर पावर बनूं। यूएसए चाहता था कि मैं डोमिनेट करूं पूरी दुनिया को, और रशिया चाहता था कि मैं डोमिनेट करूं पूरी दुनिया को। तो जैसे ही इनको नाजीज को हरा दिया गया, इसको जापान को हरा दिया गया, जापान के ऊपर 1945 में यूएसए ने एटम बॉम्ब भी गिरा दिया, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि पावर वैक्यूम क्रिएट होता है पूरी दुनिया के अंदर। और जो पावर वैक्यूम था उसको फिल करने के लिए दोनों सुपर पावर्स चाहती थी कि हम सुपर पावर बने, मतलब कि रशिया चाहता था कि मैं सुपर पावर बनूं और अमेरिका चाहता था कि मैं सुपर पावर बनूं। ये किसका कारण था। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कॉज क्या आता है इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, दोनों ब्लॉक्स के बीच में हथियार बनाने की, वेपन्स बनाने की, एटॉम बम बनाने की, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की एक रेस स्टार्ट हो जाती है। अमेरिका चाहता था कि वो ज्यादा वेपन्स बनाए, वो ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, वहीं जो सोवियत यूनियन था वो पीछे नहीं था, वो भी ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा था, न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा था। तो हम देखते हैं कि 1949 में क्या होता है, यूएसएसआर भी पहला अपना एटॉमिक बम जो था उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर देता है। हालांकि 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था, अमेरिका के पास पहले से बम था, लेकिन एटॉमिक बम था, लेकिन 1949 में यूएसएसआर भी अपना पहला एटॉमिक बम जो है वो उसको टेस्ट कर देता है। तो सोवियत यूनियन ये दिखाना चाहता था कि मैं पीछे नहीं हूं। और साथ ही साथ जो 1945 में यूएसए ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था ना, ये भी एक कारण माना जाता है इसका, कोल्ड वॉर का। क्यों? क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ मिलकर जो है वो नाजीज के खिलाफ लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका ने जो एटम बम गिराया जापान के ऊपर, इसकी खबर तक नहीं लगने दी थी स्टालिन को या फिर सोवियत यूनियन को। सोवियत यूनियन को ये बताया ही नहीं था कि हमारे पास एटम बम है, और उसको बिना पूछे जो है वो एटम बम गिरा दिया गया था। हालांकि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक साथ लड़ रहे थे, रशिया और अमेरिका एक साथ लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यहां पे चालाकी की और एटम बम गिराया। ये कहा जाता है कि एटम बम गिरा के अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि मैं ही ज्यादा ताकतवर हूं, अमेरिका ये सोवियत यूनियन को दिखाना चाहता था कि मैं तेरे से पावरफुल हूं, और साथ ही साथ अमेरिका ये बताना चाहता था कि मैं सुपर पावर हूं। तो बेसिकली ये भी इसका कारण माना जाता है। और जिस तरीके से अलग अलग एटम बॉम्ब्स बनाए जाने लगे, हथियार बनाए जाने लगे, वेपन्स बनाए जाने लगे, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई दोनों के दोनों सुपर पावर्स के बीच में, और इस आर्म्स रेस को डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब दोनों सुपर पावर्स को पता था कि अगर हम एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर अमेरिका को भी पता था, अमेरिका अगर एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है कोल्ड वॉर के दौरान रशिया के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर, तो अमेरिका को यह खूबहू पता था कि रशिया के पास भी एटम बॉम्ब्स हैं, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो भी हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिरा सकता है। तो दोनों को डर था, डिटरेंस के तौर पर यहां पर वेपन्स को यूज किया जाने लगा, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाने लगा। दोनों को डर था कि अगर एटम बॉम्ब्स का या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, किया गया, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर अमेरिका ने गिराया तो सोवियत यूनियन भी गिराएगा, तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि एटम बॉम्ब का असर जो है वो काफी ज्यादा होता है, सिविलाइजेशंस बर्बाद हो जाती हैं एटम बॉम्ब से। और साथ ही साथ जो यूएसएसआर ने अपना एटम बॉम्ब एक और बनाया, जिसमें वो हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया उन्होंने, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो एटम बॉम्ब से 10 गुना ज्यादा पावरफुल और डिजास्टर्स और डेंजरस होता है। तो यूएसएसआर ने अपना हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है एटम बॉम्ब से। तो ये डर था दोनों को कि हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, दोनों सुपर पावर्स तबाह हो जाएगी, इसलिए इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, लेकिन डिटरेंस के तौर पे इनको रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि
फोर्थ इसका कॉज क्या था, तो अलायंसेस और काउंटर अलायंसेस को बनाना स्टार्ट कर दिया गया। अब अलायंसेस और काउंटर अलायंसेस का मतलब क्या है, देखो नेटो बनाया गया किसके द्वारा, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज के द्वारा, सॉरी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज के द्वारा, जो बेस्ट के देश थे या फिर अमेरिका का जो ब्लॉक था उनके द्वारा एक नेटो बनाया गया। नेटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो क्यों बनाया गया, क्योंकि जो वेस्ट के देश थे यूरोप के, बेस्ट के देश किसके साथ है, अमेरिका के साथ थे, तो बेस्ट के देश जो है वो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को टैकल करना चाहते थे, उसको काउंटर करना चाहते थे। जो कम्युनिज्म का सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था कहां पे, यूरोप के अंदर, यूरोप के बेस्ट के देशों के अंदर, क्योंकि सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, सारे के सारे यूरोप के देशों के अंदर अपनी गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर रहा था, उनको अपने अपने मतलब उनको कैप्चर कर रहा था, उनके अंदर जो है अपनी रेजिम्स को एस्टैब्लिश कर रहा था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर रहा था। तो जो बेस्ट के देश थे यूरोप के, जो बेस्ट के देश थे ईस्ट के देशों के अंदर, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया था सोवियत यूनियन के द्वारा, लेकिन जो बेस्ट के देश बचे हुए थे उनको लग रहा था कि कहीं यहां पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म रेडी किया, उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक मैकेनिज्म, एक अलायंस बनाया जिसको नेटो कहा जाता है, जिसके अंदर वेस्ट यूरोप के देश आते थे। और नेटो का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बनाया गया, ये एक मिलिट्री अलायंस था ताकि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो बनाया गया था ताकि सोवियत के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके, ताकि वेस्ट यूरोप के देश मिलकर सोवियत यूनियन का सामना कर सके। उसके बाद हम देखते हैं अगर इन्होंने बनाया तो यूएसएसआर पीछे थोड़ी ना था, उसने भी एक वॉरसा पैक्ट साइन कर दिया, उसने भी एक अलायंस बना दिया वॉरसा पैक्ट के नाम से। इन रिस्पॉन्स 1955 में ये बनाया गया, 1955 में सोवियत यूनियन के द्वारा एक अलायंस बनाया गया नेटो के रिस्पॉन्स में, उसको हम वॉरसा पैक्ट कहते हैं। ये यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था और उसके जो एलाइज थे यूएसएसआर के साथ जो देश जुड़े हुए थे, और ये भी कलेक्टिव डिफेंस के तौर पे काम कर रहा था, मतलब कि नेटो को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने भी अपना क्या कर लिया, एक एलाइंस बना दिया। उसके बाद फिफ्थ रीजन हम इसके अंदर देखते हैं, कॉज देखते हैं प्रॉक्सी वॉर्स का। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली दोनों सुपर पावर्स, दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो प्रॉक्सी वॉर्स का क्या मतलब होता है, तो यहां पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा रहा है, यहां पे प्रॉक्सी वॉर्स को लड़ा जा रहा है, मतलब किसी दूसरे देश में तुम वॉर्स करवा रहे हो। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहली प्रॉक्सी वॉर हमें देखने को मिलती है कोरिया में, कोरियन वॉर के नाम से इसको जाना जाता है, 1950 से लेकर 1953 तक यह वॉर चली। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या होता है, कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक बन गया साउथ कोरिया, एक बन गया नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया क्या चाहता था कि नॉर्थ कोरिया भी उनके कंट्रोल में आ जाए, पूरा कोरिया उनके कंट्रोल में आ जाए, जो साउथ कोरिया के लोग थे या साउथ कोरिया की जो रजीम्स थी या फिर साउथ कोरिया के जो लीडर्स थे, वही नॉर्थ कोरिया वाले ही चाहते थे कि साउथ कोरिया भी उनके कंट्रोल में आ जाए, पूरा का पूरा कोरिया उनके कंट्रोल में आ जाए। तो कोरिया के अंदर साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया के बीच लड़ाई चल रही थी। अब हुआ क्या, साउथ कोरिया को किसने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया, और नॉर्थ कोरिया को किसने सपोर्ट कर दिया, तो सोवियत यूनियन ने सपोर्ट कर दिया। तो क्या होता है कि कोरिया के अंदर क्या होता है, साउथ कोरिया को जो है वो यूएसए सपोर्ट करता है, और नॉर्थ कोरिया को जो है वो कौन सपोर्ट करता है, सोवियत यूनियन सपोर्ट करने लग पड़ता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की वॉर चलती है वहां पे इनडायरेक्टली यूएसएसआर और यूएसए इन्वॉल्व थे। यूएसएसआर जो है वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, वहीं यूएसए जो है वो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। ये जो वॉर थी ये प्रॉक्सी वॉर के तौर पर हमें देखने को मिलती है, डायरेक्टली दोनों ब्लॉक्स, डायरेक्टली पूरी दुनिया के अंदर सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका के बीच लड़ाई नहीं हो रही है डायरेक्ट किसी बैटल फील्ड में, बल्कि वो अलग अलग देशों के अंदर वहां पे रजीम्स चेंज करवा रहे हैं, वहां पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इसके अंदर आता है वियतनाम वॉर। अब वियतनाम के अंदर क्या होता है, सिमिलर सिचुएशन थी जैसे कोरिया में थी। वियतनाम में क्या होता है, एक आ गया नॉर्थ वियतनाम, एक आ गया साउथ वियतनाम, वहां पे भी वही लड़ाई चल रही थी। तो नॉर्थ वियतनाम को कौन सपोर्ट कर देता है, नॉर्थ वियतनाम को जो है वो क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन सपोर्ट कर देता है। नॉर्थ वियतनाम इसको कौन सपोर्ट करता है, यूएसएसआर सपोर्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर साउथ वियतनाम इसको कौन सपोर्ट कर देता है, तो इसको यूएसए सपोर्ट कर देता है। तो यहां पे भी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही है। ये वॉर कब होती है, 1955 से लेकर 1975 के बीच में होती है। उसी के साथ साथ अफगानिस्तान वॉर जो कि 1979 से लेकर 1989 तक चली, यहां पे भी प्रॉक्सी वॉर्स को लड़ा जा रहा था। यहां पे क्या होता है अफगानिस्तान वॉर के अंदर, अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, अफगानिस्तान को एक गवर्नमेंट चला रही थी और वो थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि भाई सोवियत यूनियन उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो जो अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंट ग्रुप उभर रहा था जिसको हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा था, एक इंसर्जेंट ग्रुप उभर रहा था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। अब ये जो
इंसर्जेंट ग्रुप होता है ये होता क्या है? तो इंसर्जेंट ग्रुप हो गया कि मतलब विद्रोही संगठन एक उभर रहा है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। मान लो अफगानिस्तान एक देश है, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, अफगानिस्तान के अंदर ही एक विद्रोही संगठन एक ग्रुप उभरता है जो अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ उभर रहा है, उसको हटाना चाहता है उससे सत्ता से। तो होता क्या है कि अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो इंसर्जेंट ग्रुप था मुजाहिदीन के नाम से उसको अमेरिका सपोर्ट करने लग पड़ा। तो इसी तरह के तरीके से यहां पे भी एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गई, ये इसका कारण था। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन स्टार्ट हो गया दोनों सुपर पावर्स के बीच में, दोनों ब्लॉक्स के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कोई कह रहा था कि हम इकोनॉमी में आगे हैं, कोई कह रहा था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, तो दूसरी ओर अमेरिका कह रहा था कि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूं, यूएस अपना सोवियत यूनियन कह रहा था मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूं। तो इकोनॉमिक कंपटीशन स्टार्ट हो गया और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन स्टार्ट हो गया। टेक्नोलॉजी के अंदर वो कह रहा है मैं आगे हूं, वो कह रहा है मैं आगे हूं। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि स्पेस रेस स्टार्ट हो जाती है भाई साहब, कोई मतलब स्पेस के अंदर रेस स्टार्ट हो जाती है। स्पेस रेस का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका चाहता है कि वो ज्यादा स्पेस क्राफ्ट भेजे, वो ज्यादा स्पेस के अंदर जो है रिसर्च करे, वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर चाहता है कि वो ज्यादा करे। तो होता क्या है कि यूएसएसआर क्या कर लेता है, अपना एक स्पुतनिक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर देता है। वो जो स्पुतनिक स्पेस क्राफ्ट था इसको 1957 में लॉन्च किया जाता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका मून के ऊपर जाके लैंडिंग कर देता है 1969 में। तो बेसिकली आप देख रहे हो किस तरीके से यहां पे स्पेस की रेस चल रही है। अमेरिका चाह रहा है कि वो स्पेस के अंदर ज्यादा मतलब कि शाह जाए, और दूसरी ओर यूएसएसआर चाह रहा है कि वो स्पेस के अंदर ज्यादा जो है वो शाह जाए। तो यूएसएसआर अपना स्पुतनिक स्पेस क्राफ्ट जो है लॉन्च कर देता है 1957 में, वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो है वो मून पे जाके लैंडिंग कर देता है, वो सीधा सीधा मून पे चला जाता है। हालांकि इस चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी है, सोवियत यूनियन का ये कहना था कि अमेरिका कभी मून के ऊपर गया ही नहीं था, वहां पे उसने सिर्फ प्रोपोगंडा किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर रेस स्टार्ट हो जाती है, स्पेस के अंदर रेस स्टार्ट हो जाती है, इकोनॉमी के अंदर रेस स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से दोनों पावर्स जो है वो इस तरीके से लड़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर कॉज देखते हैं, सेवंथ, एस्पियोनेज एंड इंटेलिजेंस। एस्पियोनेज क्या होता है, ये होती है जासूसी, ठीक है, चलो इसको छोड़ ही देते हैं। तो एस्पियोनेज जो है वो जासूसी होती है। तो हम देखते हैं कि ये वॉर जो थी ना वो जासूसी तक पहुंच गई, इंटेलिजेंस तक पहुंच गई। जासूसी समझते हो, मतलब कि सोवियत यूनियन वाले जो है वो अमेरिका में जाके जासूसी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल करके जो है वो प्रोपोगंडास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका वाले जो है वो भी सेम चीजें कर रहे हैं। तो ये वॉर जो है जासूसी तक पहुंच गई, इंटेलिजेंस तक पहुंच गई। हम देखते हैं कि दोनों सुपर पावर्स ने, दोनों ब्लॉक्स ने जो है वो हैवली इन्वेस्ट किया इसमें, किसमें, एस्पियोनेज और इंटेलिजेंस में, मतलब काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया किसमें, जासूसी में और इंटेलिजेंस में। हम देखते हैं कि CIA नाम की एजेंसी थी यूएसए की, और KGB नाम की एजेंसी थी किसकी, यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी यूएसए की, KGB एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी USSR की। अब दोनों एजेंसीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कि इंफॉर्मेशन गैदर किस तरीके से करनी है, ऑपरेशंस किस तरीके से करने हैं। तो काफी मतलब कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से इन एजेंसीज ने जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, राइट। अगर अमेरिका कोई षड्यंत्र रच रहा है तो जो सोवियत यूनियन की एजेंसी थी उसने उसको मतलब कि ऑब्जर्व करने की कोशिश की, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये वॉर यहां तक पहुंच गई। उसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपोगंडा तक भी हमें इसके असर देखने को मिलते हैं, मतलब कॉजेस क्या थे, इसका एक और कॉज क्या था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड प्रोपोगंडा। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते हैं, आप साइकोलॉजिकली लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो अपने आप को मॉरली राइट बताने की कोशिश कर रहे थे। कम्युनिज्म वाले कह रहे थे, सोवियत यूनियन वाले कह रहे थे कि हम सही हैं, हम मॉरली या एथिकली राइट हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका वाले कह रहे थे कि हम सही हैं, हम मॉरली एथिकली राइट हैं, डेमोक्रेसी सही है। तो ये मीडिया के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, कल्चर के थ्रू इनका इस्तेमाल करके जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि अमेरिका आज भी करता है ना, अमेरिका डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया के अंदर सही बताने की कोशिश करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी किताबों के अंदर यही पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया है। तो ये क्या है, ये एक प्रोपोगंडा है, एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ चेरिशिंग आइडियोलॉजी है, जिसमें एक ब्लॉक, एक देश क्या करता है, अपनी आइडियोलॉजी को जो है वो चैरिश करता है, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है, अपनी आइडियोलॉजी को चर्न आउट करने की कोशिश करता है, अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो मीडिया का इस्तेमाल करके, किताबों का इस्तेमाल करके, इंटेलेक्चुअल डोमेन को कंट्रोल करके, कल्चर का इस्तेमाल करके, राइट, रेडियो टेलीविजन का इस्तेमाल करके, दोनों ब्लॉक्स
अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उसको सही बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कई सारे और भी इसके कॉजेज थे, जैसे कि ट्रूमन डॉक्ट्रिन हमें देखने को मिलता है। ट्रूमन डॉक्ट्रिन जो है वो 1947 में उभर करके आया। ट्रूमन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उनके नाम के ऊपर ये डॉक्ट्रिन जो है उभर करके आया, क्योंकि उन्हीं ने ये डॉक्ट्रिन लाया। इसमें क्या किया जा रहा था कि जो यूएसए था वो किसको सपोर्ट कर रहा था, वो कंट्रीज जो कम्युनिज्म के द्वारा थ्रेटन की जा रही थी, वो कंट्रीज जिनके ऊपर कम्युनिज्म का थ्रेट था, जो कम्युनिज्म से अफेक्टेड थी, या फिर जिन कंट्रीज को लग रहा था कि कम्युनिज्म हो सकता है कि उनके ऊपर इन्वेजन कर ले या फिर उनको जो है कंट्रोल कर ले, तो उन कंट्रीज को सपोर्ट करने लगा अमेरिका। जैसे कि मैक्सिमम कंट्रीज यूरोप की थी या मिडिल ईस्ट की थी, आपने टर्की का नाम सुना होगा, तो टर्की के ऊपर हमें इसकी एग्जाम्पल अच्छे से देखने को मिलती है। तो बेसिकली वो कंट्रीज जो कम्युनिज्म के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा थ्रेट की जा रही थी, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, उनको अमेरिका सपोर्ट करता है। इसी के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट उभर करके आती है। इसने ही, ट्रूमन डॉक्ट्रिन ने पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को जन्म दिया। और यहां पे क्या किया जा रहा है पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट के अंदर, आप कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिज्म को टैकल करने की और काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मार्शल प्लान उभर करके आता है 1948 में। मार्शल एक अमेरिका के एक बंदा था मार्शल, उसके नाम से ये प्लान उभर करके आया। मार्शल प्लान के अंदर क्या होने लगा कि एड का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अमेरिका क्या करने लगा, उन कंट्रीज को जो इकोनॉमिकली पुअर थी, जिन कंट्रीज के ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड का काफी असर पड़ा था, बुरा असर पड़ा था, उनको एड दी जाने लगी, उनको पैसे दिए जाने लगे, हेल्प दी जाने लगी, ताकि उनको अपने साइड किया जाए। वो कंट्रीज लग रहा था अमेरिका को कि जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आ सकती है, सोवियत यूनियन जिनको कैप्चर कर सकता है, उनको एड दी जाने लगी, उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दी जाने लगी और अलग अलग तरीके की सहायता उनको दी जाने लगी मार्शल प्लान के थ्रू। तो मार्शल प्लान के थ्रू पैसे का इस्तेमाल करके तुम कंट्रीज को जो है वो अपनी साइड कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं आयरन कर्टन और डिवीजन ऑफ यूरोप होती है, ये इसका कॉज था। पूरा का पूरा यूरोप जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और ये पूरी दुनिया को बता दिया गया कि अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। तो यूरोप के अंदर आयरन कर्टन बन जाता है। आयरन कर्टन जो है कि सिंबॉलिक है, सच में लोहे का पर्दा नहीं बना था। आयरन कर्टन क्या होता है, लोहे का एक पर्दा, लेकिन सच में वो नहीं बना था। बेसिकली होता क्या है कि यूरोप जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, वेस्ट यूरोप अमेरिका की साइड और ईस्ट यूरोप जो है वो रशिया की साइड, सोवियत यूनियन की साइड। तो जर्मनी से ये आयरन कर्टन गुजरता था, बर्लिन से ये आयरन कर्टन गुजरता था, राइट। तो एक कर्टन लगा दिया गया और ये कहा गया कि पूरी दुनिया अब दो हिस्सों में बट गई है, एंड इट्स ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक। उसके बाद हम देखते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी और अमेरिका, रशिया, उसी के साथ साथ इंग्लैंड, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जैसे स्टालिन थे, इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल थे, वहां के जो है वो ट्रूमन थे, इन सब लोगों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत की और ये कहा कि अब दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड को खत्म कर चुकी है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और अब हमें क्या करना चाहिए। स्टालिन से ये कहा गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो ईस्टर्न यूरोप के देश है वहां पे फ्री गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, वहां पे फ्री तरीके से गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होनी चाहिए और लोग वहां पे अपनी गवर्नमेंट्स को चुने। लेकिन बाद में स्टालिन ने ये बात मानी नहीं। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया था कि भाई अब सब सही होना चाहिए, अब जो भी देश अपनी गवर्नमेंट्स को जैसे चुनना चाहते हैं वैसे चुने, फ्री गवर्नमेंट्स को वहां पे एस्टेब्लिश करना चाहिए। और स्टालिन से ये कहा कि तुम भाई उधर हाथ वो अपना इंटरफेरेंस मत करो, वहां पे फ्री गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश होने दो ईस्टर्न यूरोप के अंदर या वेस्टर्न यूरोप के अंदर, पूरी यूरोप के अंदर। लेकिन स्टालिन ने वैसा नहीं किया, स्टालिन गया, इंटरफेरेंस की, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स वहां पे एस्टेब्लिश कर दी। तो ये इसका एक कॉज था। और भी कई सारे कॉजेस थे इसके, मुझे लगता है कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जितना हो सकता था उतना मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। थोड़ी जल्दी में किया है लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर की किताब ही देखोगे अपनी तो उसमें भी इतने ज़्यादा कॉजेज नहीं दिए होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया कोल्ड वॉर में आती है, पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर होती है। कॉजेज क्या थे उसके मैंने आपको बता दिया, मीनिंग क्या था वो भी बता दिया कि डायरेक्टली ये ट्रेडिशनल वॉर की तरह नहीं थी, डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा था, बैटल फील्ड में नहीं लड़ी जा रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से कोल्ड वॉर होती है 1945 से लेके 1991 तक चलती है ये, राइट। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होती है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और ये 1991 तक चलती है जबकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इस टॉपिक में नहीं है, इसको कभी फिर हम पढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके से 1991 में ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है और पूरी दुनिया के अंदर जो एक टेंशन बनी हुई थी वो भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो कोल्ड वॉर का सिलसिला था ये 1991 में खत्म हो जाता है जैसे ही, सॉरी यार ये भी नहीं चल रहा अभी, तो 1991 में ये खत्म होता है जैसे ही सोवियत यूनियन जो है वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कोल्ड वॉर को
कवर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।